हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सीएस रितु। आज का वीडियो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के आज फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं जून क्वार्टर के। कैसे नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं ये जानेंगे हम इस वीडियो में। रिजल्ट्स के आने के बाद शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। नंबर्स की अगर बात करें तो कंपनी ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिपोर्ट किया है जून क्वार्टर में 7282 करोड़ का। कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर जून से रिड्यूस हुआ है। लास्ट ईयर जून से कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 22% रिड्यूस हुआ है। कंपनी के एक्सपेंसेस भी रिड्यूस हुए हैं। टोटल एक्सपेंसेस जून क्वार्टर में कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं 4954 करोड़ के। टोटल एक्सपेंसेस लास्ट ईयर जून से भी रिड्यूस हुए हैं एंड लास्ट क्वार्टर मार्च से भी रिड्यूस हुए हैं। आफ्टर ऑल टैक्सेस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 1964 करोड़ का। कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर से भी रिड्यूस हुआ है एंड लास्ट ईयर जून क्वार्टर से भी रिड्यूस हुआ है। लास्ट ईयर से अगर हम देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 36% रिड्यूस हुआ है। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है, इसी वजह से अर्निंग पर शेयर भी रिड्यूस हुआ है। अर्निंग पर शेयर जून क्वार्टर में आया है 4.65 रुपीज, जो कि लास्ट ईयर जून में 7.32 था एंड लास्ट क्वार्टर में 6.11 था। कंपनी की परफॉर्मेंस किन रीजंस की वजह से इम्पैक्ट हुई है चलिए जानते हैं। कंपनी ने यहाँ पर यह बताया है, कंपनी ने हाईएस्ट एवर माइंड मेटल और सिल्वर का प्रोडक्शन रिपोर्ट किया है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 1964 करोड़ का। प्रॉफिट इम्पैक्ट हुआ है ड्यू टू लोअर मेटल प्राइसेस। इस बार एक्सपेक्टेशन थी कि नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे मेटल प्राइसेस में डिक्लाइन की वजह से, इसी हिसाब से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नंबर्स आज आए हैं। हाईलाइट्स की अगर बात करें, माइंड मेटल का प्रोडक्शन कंपनी ने रिपोर्ट किया है 257 KT, रिफाइंड मेटल का प्रोडक्शन कंपनी ने रिपोर्ट किया है 260 KT एंड सेलेबल सिल्वर का प्रोडक्शन रिपोर्ट किया है 179 MT। रिजल्ट्स की हाईलाइट जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। रिजल्ट्स की हाईलाइट अगर हम देखें, कंपनी का रेवेन्यू आया है 7282 करोड़, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% डिक्लाइन हुआ है। एबिट्टा आया है 3359 करोड़, एबिट्टा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% डिक्लाइन हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 1964 करोड़, प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% डिक्लाइन हुआ है। कंपनी के ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड कैश इक्विवेलेंट है 9709 करोड़ के। एबिटा मार्जिन आया है 46% फर्स्ट क्वार्टर में। अर्निंग पर शेयर आया है 4.65। कंपनी की परफॉर्मेंस अगर हम देखें, रेवेन्यू भी डिक्लाइन हुआ है, एबिट्टा भी डिक्लाइन हुआ है जून क्वार्टर में एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी डिक्लाइन हुआ है। ऐसा इसीलिए हुआ है बिकॉज मेटल के प्राइसेस में रिडक्शन हुआ है, उसकी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस इस बार इम्पैक्ट हुई है। एनालिस्ट की भी एस्टिमेट यही थी कि कंपनी की परफॉर्मेंस इस बार इम्पैक्ट रहेगी। एनालिस्ट की एस्टिमेट थी कंपनी का रेवेन्यू 22% गिरेगा, कंपनी का नेट प्रॉफिट 37% गिरेगा। कंपनी का रेवेन्यू 22% गिरा है एज पर एनालिस्ट एस्टिमेट, कंपनी का नेट प्रॉफिट 36% गिरा है। एबिट्टा 35% गिरेगा ऐसा एनालिस्ट का एस्टिमेट था। एबिट्टा भी 36% गिरा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का और मार्जिन 44% आएंगे ऐसा एनालिस्ट का एस्टिमेट था, मार्जिन आए हैं 46%। सो कंपनी के नंबर एनालिस्ट के एस्टिमेट के इन लाइन ही आए हैं। एंड डिविडेंड की अगर बात करें तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने फर्स्ट इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। 7 रुपीज का डिविडेंड है जो इस कंपनी में डिक्लेयर हुआ है। इस डिविडेंड की पेमेंट एलिजिबल शेयर होल्डर्स को कब तक होगी? इस डिविडेंड की पेमेंट एलिजिबल शेयर होल्डर्स को 7 अगस्त 2023 से पहले पहले हो जाएगी। जैसे ही डिविडेंड पेमेंट से रिलेटेड कोई अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। थैंक यू।